सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ज़ियोफेनिक्स। अगर कुछ साइकोलॉजिकल थ्योरीज की माने तो दुनिया में दो ब्रॉडर टाइप ऑफ पर्सनालिटीज होती हैं और उन्हें इस बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है कि आखिर उनका सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो कहाँ से आ रहा है। कुछ लोगों को उनकी जो एनर्जी है, उनका जो मोटिवेशन है, वो बाहर जाने से, लोगों से मिलने से, दोस्तों से बात करने से और ज़्यादा सोशलाइजेशन से आती है, और कुछ लोगों को खुद के साथ समय बिताने से आती है। और इन दो टाइप ऑफ पर्सनालिटीज़ को हम कहते हैं एक्सट्रोवर्ट्स एक्सटर्नल सोर्स और इंट्रोवर्ट्स जिसको इंटरनल सोर्स से एनर्जी मिलती है। जहाँ पर आज के टाइम पे सक्सेसफुल लोगों को एक्सट्रोवर्ट्स के नाम से देखा जाता है, वहीं पर जो इंट्रोवर्ट्स हैं उनको बहुत ही शर्मिला और वीक माना जाता है कि अरे ये तो बात नहीं करता है, ये तो लोगों से मिलता नहीं है, अकेले में रहता है, अपने में ही रहता है, ऐसा है वैसा है। हालांकि दुनिया में बहुत ही खास और जो चुनिंदा लोग हैं उनमें कई सारे इंट्रोवर्ट्स आते हैं, जैसे कि एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, अल्बर्ट आइंस्टाइन, बिल गेट्स। ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहूँगा, संदीप महेश्वरी खुद ही ये एग्जर्ट करते हैं कि बाय नेचर सुनने में आप लोगों को शायद अजीब सा लगेगा, बट आई एम एन इंट्रोवर्ट। आखिर ऐसी कौन सी खास बात है जो इन इंट्रोवर्ट्स को बाकी लोगों से अलग और दुनिया में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती है? सबसे पहला रीज़न जो आता है वो ये आता है कि दे हैव अ क्लैरिटी ऑफ माइंड। एग्जैक्टली, ज़्यादा बोलने से हमारे ब्रेन की वेव्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, और कई बार ऐसा होता है कि जब हम ज़्यादा बोलने लगते हैं लोगों के बीच में तो हम अपना बैलेंस खो बैठते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। अब बात ये आती है कि भाई कम बोलने से माइंड में एक बहुत ही अच्छी क्लैरिटी रहती है, जिसकी वजह से हम जो है चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से देख पाते हैं और समझ पाते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपको आपके पास से थोड़ी सी दूर पे कोई आवाज़ आ रही है, ठीक है, और आपको उसको सुननी है, लेकिन आपके जस्ट बगल में ही, आपके कान के पास ही बहुत ज़ोर ज़ोर से लाउड स्पीकर बज रहे हैं, तो आप क्या कह सकते हो कि वो आवाज़ आपको सुनाई देगी? बिल्कुल भी नहीं सुनाई देगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि उस आवाज़ के बीच में और आपके कान के बीच में जितनी भी नॉइसेस है मैं उसको एकदम मिनिमम कर दूँ, तो क्या आप ये कह सकते हो कि वो आवाज़ आपके कान तक क्लियरली आने वाली है? इस क्लैरिटी की वजह से जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। और इसी क्लैरिटी पे बेस्ड जो है आगे के बाकी सारे रीजंस हैं कि क्यों ये जो इंट्रोवर्ट्स है ये सक्सेसफुल है। सेकेंड रीज़न ये आता है कि दे आर गुड प्लानर्स। इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर उसके माइंड में बहुत ही अच्छी क्लैरिटी है तो वो चीज़ों को बहुत ही बेहतर ढंग से देख सकता है, परख सकता है, और अगर वो चीज़ों को बहुत ही बेहतर ढंग से देख सकता है तो उसमें कितने सारे फ्लॉज हैं, और अगर वो ये देख सकता है तो वो बहुत ही अच्छा उसके अकॉर्डिंगली एक प्लान क्रिएट कर सकता है। अगर वो एक बहुत ही अच्छा प्लान क्रिएट कर सकता है तो उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का जो चांसेस है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है, और अगर हम उस प्लान को बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट कर लेते हैं तो उस प्लान के सक्सेसफुल होने का जो चांस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। क्लैरिटी, बेटर प्लानिंग, बेटर एग्जीक्यूशन इक्वल्स टू बेटर रिजल्ट। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न ये आता है कि दे आर अ गुड लिसनर्स। जहाँ पर दुनिया में बहुत सारे लोग अपनी बात को बोलना, अपनी बात को रखना और लोगों को समझाना चाहते हैं, ये जो शांत रहने वाले लोग हैं ये कम बोलना प्रेफर करते हैं, या फिर यूँ कहें कि ये ज़्यादा सुनना प्रेफर करते हैं। सक्सेस किसी को रातों रात नहीं मिलती, अगर किसी को मिल भी जाती है शॉर्टकट से तो उतनी जल्दी वो ख़त्म भी हो जाती है। इसके लिए ढेर सारी मेहनत और बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइसेस लेनी पड़ती हैं उन लोगों से जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, और उन एडवाइसेस को लेने के लिए हमें एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। इसको हम ऐसे समझ सकते, मान लो हमें एक बकेट में पानी भरना है और हम लोग क्या करते हैं, उस बकेट को ले जा के एक नल के नीचे रख देते हैं, नल चालू कर देते हैं, पानी गिरने लगता है, लेकिन हम ये भूल गए थे कि बकेट जो है वो ऑलरेडी भरा हुआ है, तो जितना भी अब एक्स्ट्रा पानी आएगा नल में से वो सारा उसके ऊपर से बाहर गिरता जाएगा, उसके अंदर नहीं जाएगा। एग्जैक्टली सेम थियोरी अप्लाई होती है हमारे ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर। अगर हमें कोई भी चीज़ बहुत ही अच्छे से ग्रास्प करनी है तो हमें अपने माइंड को खाली रखना पड़ेगा, और क्योंकि ये एडवाइसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे पाथ ऑफ सक्सेस पे, इसलिए इन एडवाइसेस को पूरी एफिशिएंसी के साथ लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फोर्थ रीज़न ये आता है कि दे आर वेरी क्रिएटिव। जो क्रिएटिवनेस है, जो क्रिएटिविटी है, वो अगेन लिंक्ड है क्लैरिटी ऑफ माइंड से। कैसे? अगर माइंड हमारा बहुत ज़्यादा क्लियर है, शार्प है, साइलेंट है, तो हम चीज़ों को बहुत ही बेहतर ऑब्जर्व कर पाते हैं। बेसिकली जिनको हम जानते हैं एज इंट्रोवर्ट वो सबसे ज़्यादा क्या प्रेफर करते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपने आप के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, ताकि वो अपने आप को बेहतर से बेहतर ढंग से समझ सके, और जब वो इस तरीके से सोचने में समय लगाते हैं
तो वो कई बार बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ आते हैं और उन आइडियाज़ को उतनी ही क्रिएटिविटी के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं और कई बार वो दुनिया में बहुत बड़े बड़े इनोवेशंस करके चले जाते हैं। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल जो अभी का है वो एलन मस्क का है, हाइपरलूप, न्यूरालिंक, मास कॉलोनाइजेशन, ऐसे बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज हैं जिनके ऊपर अभी काम किया जा रहा है बाय द एलन मस्क। तो आप सोच सकते हो कि अगर क्लैरिटी ऑफ माइंड हो तो इंसान किस हद तक सक्सीड कर सकता है अपनी लाइफ में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पांचवा रीजन ये कहता है कि दे चूज देयर वर्ड्स केयरफुली। इंट्रोवर्ट्स को बहुत ही कम बोलना पसंद है, तो ये जब भी बोलते हैं अपने वर्ड्स को बहुत ही कैलकुलेट करके बोलते हैं ताकि वो जो बोल रहे हैं उसका इम्पैक्ट जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सके। ये छोटे छोटे रीजंस जो है ये उनके बहुत ही बड़े बड़े सक्सेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। और ज़रा कमेंट में बताना कि आपको क्या लगता है कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो किस में सबसे ज़्यादा फिट बैठती है, इंट्रोवर्ट्स में या फिर एक्सट्रोवर्ट में। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा है देन गिव अ बिग थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।